भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें मिथिला राज चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमारा मिथिला राज चाहिए। अब हम गीत के माध्यम से किछ लिख कर लायल छी, हम अपने सबके सुनाबै छी। मैथिली के रक्षा खातिर मिथिला राजक मांग करू, माँ मैथिली के रक्षा खातिर मिथिला राजक मांग करू। एकजुट भा सब मैथिल गण रौद्र रूप धरू, एकजुट भा सब मैथिल गण रौद्र रूप धरू। माँ मैथिली के रक्षा खातिर मिथिला राजक मांग करू, माँ मैथिली के रक्षा खातिर मिथिला राजक मांग करू। मिथिला के नेता बनल गद्दार, पद पावी के छुपी मार। मिथिला अमर के हमने ने सब गोटे पत्रकार लोकन से निवेदन सुनी, 22 भाषा जो संवैधानिक भाषा है, तई भाषा के हमरा सब के बिहार सरकार बीपीएससी से निकाल दिलक। आई संज्ञान लेलक है आई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस 74वां छल, तई दिन निकाल दिलक जो हम सब 22 भाषा में, रीजनल भाषा में, राष्ट्रीय भाषा में, इंटरनेशनल भाषा में, देव भाषा में, बंगला में, उड़िया में, मराठी में, कन्नड़ में, पंजाबी राज्य है। ये सबसे पहला राज्य है, पहले देश जनकपुर का धाम मिथिला जो देश हुआ करता था, लेकिन वो अभी राज्य भी नहीं है। उसी राज्य को लेकर के छोटी छोटी जो जहाँ पे 3 लोकसभा है या 5 लोकसभा जिसको मिला के राज्य बनाया जाता है, तो हम चाह रहे हैं कि ये जो मिथिला का राज्य है इसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, जबकि मैथिली जो है हमारा अष्टम सूची में आ गई है और जो बीपीएससी यूपीएससी में है तो वो भी मैथिली में जो है, जबकि बिहार सरकार ने इसको मैथिली भाषा को जो है इसने ये बीपीएससी हटा दिया गया है। इसके खिलाफ भी तो आप लोग आज हुंकार भरे, हम लोग हुंकार भरे हुए जंतर मंतर उसी को लेकर आए हुए हैं, और हमारा भारत सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो और मिथिला राज्य जो है अलग राज्य का दर्जा मिले हमें। धन्यवाद। सारी सरकार जो है इसको अवहेलना करती है, मिथिला राज्य को बनाने के लिए हम सारे कृत संकल्प हैं, और हमें जब तक मिथिला राज्य नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।